Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP Vidhan Sabha चुनाव के आज पहले चरण पर मौसम का साफ असर नजर आया। दोपहर 1 बजे तक मेरठ जिले की सातों विधानसभा सीटों पर कुल 34% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच किठौर विधानसभा सीट पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए भाजपा व सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ जाने से एक बारगी तनाव के हालात पैदा हो गए। पुलिस ने किसी तरह हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को वहां से हटाया। सपा प्रत्याशी शाहिद मंजूर के बेटे व चीफ एजेंट ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कुछ लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं। उन्होंने प्रशासन व चुनाव आयोग से इस पर नियंत्रण की मांग की। आइए देखिए क्या रहा ग्राम भड़ौली का नजारा। ये बूथ कैप्चर कर रहे हैं जी, कैप्चर कर रहे हैं मासी। चलिए तुम भी सभी का आ जाओ, चलो इधर जाओ। सुन लिया करो ना, माना करो ना। अरे और दरबार का फोन मिला भाई, इस वाले के बूथ पे वो पकड़े गए हैं। सुनो, थोड़ी भीड़ आ रही है, नहीं हम यहीं है बंद कर। मैं कानून को मानने वाला हूं, बंद नहीं जाने। तो थोड़ी देर आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ, 5 मिनट दे भाई। मैं अंदर मोदी तो लगवाने गए थे जी, एजेंट नहीं थे, भगा दिए मार के। हाँ जी, हम यहाँ पे सुबह थे और जो है हमारा क्या हुआ, हमारा बूथ ये गाली देते हुए निकले यहाँ से कि हम यहाँ जो है ग्राम प्रधान और ये सब कि हम जो है तुम्हें वो नहीं बनन देंगे। हम मारपीट करी हमारे लोगों के साथ, इन्होंने झगड़ा करा और अब ये सब आए तो ये सब इन्होंने और जो है तुम्हारा पुलिस वालों ने इन्हें लठ दिए हैं, पुलिस इनके साथ है और ये लोग यहाँ पे डराने भय बैठाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो है ऊपर तक सुनवाई जावे और इलेक्शन कमीशन में अपना बाहुबल दिखा रहे हैं। तुम इधर देख लो वीडियोग्राफिंग करके पीछे या भगाने का काम कर रहे हैं हमें। ये ग्राम भड़ौली में मैं खड़ा हूँ, शाहिद मंजूर साहब का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ। यहाँ अंकित नाम का गुंडा और एक वो जो जैकेट में क्या नाम है इसका, गुंडे का सफेद कुर्ते यशवीर और अंकित ने आके हमारे एजेंटों के साथ हाथापाई करी, उन्हें मारा और यहाँ से भगा दिया। मैं अभी चुनाव आयोग से और यहाँ जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरा एजेंट अभी तत्काल बनाया जाए और ये लोग गुंडे कर रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं, इन्हें अभी रोका जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।